पठानकोट का मंदीप अस्पताल फिर आया सुर्खियों में। फौज के अधिकारियों की नकली स्टैंप और फर्जी हस्ताक्षर कर फौजी परिवार से संबंधित मरीजों को भर्ती करने का लगा आरोप। पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पूर्व फौजियों और उनके परिवारों के इलाज के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधा ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम घोटालेबाज डॉक्टरों और अस्पतालों के निशाने पर है। बड़े ग्रुप अमनदीप अस्पताल पठानकोट ने यहाँ के मिलिट्री अस्पताल स्थित ECHS पॉलीक्लिनिक के मेडिकल अफसरों और ऑफिसर इंचार्ज के फर्जी स्टैंप बना खुद ही उनके हस्ताक्षर कर मरीजों को भर्ती करते रहे और जरूरी ना होने पर भी उनकी भर्ती एक्सटेंड करते रहे। फर्जी स्टैंप और हस्ताक्षर पकड़ में आने के बाद अस्पताल को ECHS से इंपैनल कर सेना के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है कि कब से ये गोरख धंधा अस्पताल द्वारा किया जा रहा था। रीजनल सेंटर और सेना की जांच पिछले एक महीने से चल रही है, लेकिन सेना का कोई अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं। अमनदीप में पंजाब के अलावा हिमाचल से भी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। बताते चले कि जब टीम जांच करने आई तो अस्पताल प्रबंधन ने दो कर्मचारियों को बना दिया बली का बकरा और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। इस संबंधी जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंदीप अस्पताल में किसी घोटाले की शिकायत आई थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा अस्पताल में तैनात दो कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ जाने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। देखिए पठानकोट से कबल रंधावा की पूरी रिपोर्ट। अमनदीप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने वालों की शिकायत मिली थी कि उतों के मुंडे दो है, उन्होंने जो स्टाफ के मैंबर एक नरेंद्र ते अभिनंदन, ये जो ECHS जो सिस्टम हैगा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सिस्टम है, सर्विस है, उत्थे जिहड़े एक्स सर्विसमैन जिहड़े भी जिहड़े इलाज करवाउंदे आ उन्हां दे बिल पास हुंदे आ मिलिट्री हस्पताल तो जाके काउंटर साइन हो के आर्मी ऑफिसरस दे आर्मी डॉक्टर्स दे, वो फिर उन्हां दे बिल जिहड़ा रीबर्समेंट हुंदी आ। बट जदों कुछ उन्हां चों जिहड़ा उन्हां दे फाइल्स ने जदों MH वालिआं वेखियां उन्हां ते देखिआ किसे आर्मी ऑफिसर ने कहा भी मेरे साइन नहीं है। उस तो बाद जो अमनदीप होस्पिटल से गल पहुँची उन्होंने फिर शिकायत करी SSP साहब को की, वो फिर साडे DSP D साहब उन्होंने इंक्वायरी की है, वो यही पाया गया कि जोड़े साइन है जोड़े मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर के साइन है वो इन्होंने आपे किए हुए, उन्होंने साइन नहीं किए। सो इन्हों के खिलाफ़ जोड़ा केस रजिस्टर हो गया, अगे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखने की गल ये हैगी है कि ये साइन इन्होंने क्यों किए, ये सब तो बड़ा मुद्दा कि इन्हों की इंट्रस्ट सी, शायद इन्होंने कोई फाइनैशियली कोई इंट्रस्ट से या कोई होर इंट्रस्ट से जिहड़ा कि शायद अजे सामने नहीं आया। सो इन्हों अरैसट करके इन्हों की जो इंटरोगेशन करा उस तो सामने आएगी गल है कि एक्चुअली कारण की सी इस सारी चीज़ों का। नहीं अजे नहीं हुए, उन्होंने रेड से किए बट वो अपने घरों फरार ना, सो मोस्ट प्रोबली आप जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।